दोस्तों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में ना दोस्तों, मैं आप लोगों को एक अंडरग्राउंड सीढ़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है हमारा एक अंडरग्राउंड सीढ़ी। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये शुरुआत में इस तरह से, आप कोई भी अगर घर के अंदर आए तो ऐसा है बोल को भी मालूम नहीं होता। तो एक अंडरग्राउंड सीढ़ी कैसा आप लोग बना सकते हैं वो मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। बट एक चीज़ क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा एक हम पहले सोच को रखे थे कि ऐसे ही आने वाला है बोल के, ठीक है दोस्तों। ये अब देखिएगा, मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कैसे होता है। इधर से अपन आए, आने के बाद ये देख रहे हैं ना, अपन इधर आए, आने के बाद कैसा है, थोड़ा इधर झुक को जाना पड़ता बिकॉज ऊपर का स्टेयर्स ला रहा। हमको क्या था, डाइनिंग भी मिलना, साथ ही साथ जो है नीचे का स्टेयर्स भी आना और एक रूम भी मिलना। तो ये पहले हमको मालूम हुआ था, हाँ इधर थोड़ा ही जगह मिलता बोल के, फिर भी ये क्यों मेरा तो एक हाइट ज़्यादा आ रहा था हमारा। तो इधर जाना बोले तो कैसा, थोड़ा सा ऐसा झुक के जाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, फर्स्ट ऐसा बैठना, बैठने के बाद फिर ऐसा ऐसा धीरे धीरे से उतरना। ओके, ये ऐसा झुक के उतरना पड़ता है समझ लीजिए। और हम इधर क्या कर रहे हैं दोस्तों, परमानेंट सीढ़ी ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टेम्प्रेरी सीढ़ी बनाएंगे बोल को, ऐसा नहीं है। बनाए तो क्या है, यहाँ पर अपन परमानेंट सीढ़ी बनाना बोल के ही हम सोच को रखे हैं। तो सीढ़ी का डिज़ाइन बताना चाहता हूँ क्यों ऐसा आ रहा है। वो सीढ़ी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, वो सीढ़ी का डिज़ाइन के हिसाब से हमारा ये आ रहा है। ये थोड़ा सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है और धीरे से हल्का सा जो है अपन आ रहे हैं। ये इतना बड़ा सा हमारा रूम मिलेगा नीचे की तरफ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे भी सपोर्टिंग दिया हुआ है। इतना बड़ा हमारा एक रूम मिल रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये अंडरग्राउंड सीढ़ी हमारी है और इसको किस तरह से हम एक वेंटिलेशन भी ले सकते हैं बोल को, आपको भी एक डाउट आता नहीं। तो वेंटिलेशन के लिए दोस्तों, इधर जो है हमारा एक वेंटिलेशन आया, इधर से फुल जितना चाहे उतना एक नेचुरल लाइट आ रहा, बाकी का जो है इस तरह से। सो यहाँ पर लाइटिंग की भी फैसिलिटी है, साथ ही साथ जो है अपन ये पूरा पैक हो जाएगा। जस्ट माल डालने के लिए थोड़ा सा रखे हैं, जिस दिन हम माल डालते समय ना पूरा पैक हो जाता। और स्टेप्स क्या साइज़ में लिए गए वो आपको बताऊंगा मैं। स्टेप्स देखिएगा, टोटल अपन उधर शुरुआत कैसे किए बोलो, वो देख रहे हैं ना, उधर से यहाँ तक ये 2 फीट है, 2 फीट का हमारा लैंडिंग होना था। फिर उसके बाद ये ऐसा नीचे आया, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, ये कितना लिएगा, ये है हमारा 12 इंच है, ये जो है 9 इंच का है। तो 9 और 12 इंच का टप्पे के हिसाब से अपन लिए थे, इस तरह से 9 और 12 इंच का टप्पा लिया गया। ओके, नौ बारह का टप्पे के हिसाब से अपन लिए हैं फिलहाल। ये देखिएगा, ये आता हमारा 12 इंच, ये है 9 इंच। और उसके साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसा करना बोलो, एक फार्मूला है। सो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिन, ये वाला जो अब साइन कॉस टैन वो सब कहाँ पर यूज़ हो रहा है, इधर यूज़ होता। इधर फार्मूला लेना, ए बी सी, ओके, ये ऐसा 90 डिग्री है। ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना बोले तो, मेरे को याद गया दोस्तों, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्टेयर्स निकालना बोले तो एक फार्मूला, मैं खुद वीडियो बनाया था इसके बारे में, थोड़ा सा भूल गया हूँ। और इसके अंदर में ये ऐसा 3 फीट है, ऊपर हम छोड़े थे 2.5 फीट, नीचे हम छोड़ रहे 3 फीट। 3 फीट के अंदर कैसा आया, 1 2 3 4 5 6 जो है 16 12 mm का रॉड डाले गया, 6 12 mm का।
वो जो है ऐसा बेंड किया गया है, बेंट अप बार्स यहाँ पे भी बेंट अप, यहाँ तक किया गया है बेंट अप। तो कंपलसरी कवर ब्लॉक यहाँ पर रखा जाएगा, तो कवर ब्लॉक रख के किया जाता है। तो मेन दोस्तों थोड़ा सा अगर वो वाले स्टेप्स अगर ऊपर रहते तो और अच्छा था, बट इस एंगल से मैं दिखाता हूँ। इधर से जो है आप लोग आराम से जा सक, ऐसा नेचुरल लाइट आपको मिल रहा है, देख लीजिएगा इतना पूरा नेचुरल लाइट मिल रहा है इस अंडरग्राउंड स्टेयरकेस के अंदर। थोड़ा बहुत कुछ जगह मिल जाता है, ये वाला चीज़ आप स्टोरेज पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये जितना भी है यहाँ पर शेल्व्स स्टोरेज वो सब बना सकते हैं। इधर एक लाइट लगा सकते हैं होना बोले तो। ओके, इधर लाइटिंग का फैसिलिटीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं लाइट पर्पज़। ये नीचे नेचुरल लाइट मिलता, ऐसा नहीं है कि इधर गर्मी होता बिल्कुल नहीं। एक टेबल फ़ैन डाल देना। ओके, और लाइट फैसिलिटीज़ यहाँ पर दिए गए, उधर एक दो, यहाँ पे एक तीन, इधर एक चार, कलर का लाइट होना, बीच में एक शायद फैन बॉक्स या जंक्शन बॉक्स कुछ है यहाँ पर। इधर भी फैन बॉक्स हो सका था, आप ले सकते हैं फैन बॉक्स भी। एंड फ्यूचर में इधर पूरा फुल, इस तरह से पूरा फुल व्यू आप लोग देख सकते हैं इसका। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। ये था अंडरग्राउंड सीढ़ी के बारे में। इस तरह से आपको झुक को आना जाना पड़ता है, उतना प्रॉब्लम है। अगर ये वाले सीढ़ी ज़रा ऊपर रहते थे समझो, वो आ जाता था। करेक्ट। थैंक यू।